वक्त आने पर हमें स्टैंड लेना आना चाहिए, अपनी बात रखना आना चाहिए, अपनी राय देना आना चाहिए। हमें ये तय करना पड़ेगा कि हम किस साइड हैं। हमें अपना पक्ष क्लियर करना पड़ेगा, क्योंकि जो सबकी साइड होता है ना, एक्चुअल में वो किसी की साइड नहीं होता, और जो सबके बनने की कोशिश करता है एक्चुअल में वो किसी का नहीं होता। तो इसलिए हमें ये पूरी क्लैरिटी होनी चाहिए कि हम किस साइड हैं और किस तरफ हैं। जब भी जरूरत पड़े तो हम ये बता सकें कि हम इस तरफ हैं। महाभारत में और महाभारत होने का यही कारण था कि जो धृतराष्ट्र थे, जो राजा थे, वो कभी अपना पक्ष तय नहीं कर पाए। वो हमेशा जब भी स्टेट सही के लिए खड़े होने की बारी आती, वो चुप रह जाते। भीष्म पितामह, आचार्य द्रोण, कृपाचार्य, ये कभी भी दुर्योधन की बात नहीं मानते, क्योंकि दुर्योधन के लिए ये जवाब दे नहीं थे, ये सिंहासन से बंधे थे, ये राजा की बात मानते। और अगर राजा होते हुए धृतराष्ट्र सही निर्णय लेते तो ना महाभारत होता और ना उन्हें अपने पूरे कुनबेक से हाथ धोना पड़ता। तो इसलिए चाहे पारिवारिक मामला हो, चाहे दोस्तों के साथ हो, चाहे वर्क प्लेस हो, लीडर्स को ये पता होना चाहिए कि उनको अपना स्टैंड लेना है, उन्हें अपना पक्ष रखना है, अपनी राय देनी है, सही के साथ खड़े होना है। हमें सही के साथ खड़े होने की हिम्मत होनी चाहिए। कई बार हम सही के साथ केवल इसलिए खड़े नहीं होते हैं क्योंकि हमको लगता है कि सामने वाले को हमारी बात पसंद नहीं आएगी, या हमको लगता है कि हमें क्या करना, होने दो जो हो रहा है। अगर आप एक अच्छे लीडर बनना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि लोग आपको फॉलो करें, तो आपको अपना स्टैंड तय करना पड़ेगा।